दोस्तों, हम आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। ये आप देख रहे हो, ये दोस्तों रोटरी स्विच, ये है दोस्तों मल्टी फंक्शन स्विच, और ये है दोस्तों थ्री स्पीड। अब हमारे पास पहले भी कमेंट आया था कि ये थ्री स्पीड स्विच को अब आप कैसे, मतलब इसकी वायरिंग करनी है, हम आपको दिखाते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए हमारे पास, और ये दोस्तों इसकी नोब, इसके ऊपर घुमाने के लिए रोटरी नोब, जिसे आप रेगुलेटर भी बोल सकते हो। तो अब इसके बारे में हम बाद में लगाएंगे, पहले हम आपको दिखाते हैं कनेक्शन के लिए। सबसे पहले हमें करना क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये चार वायर है, हम इस चार वायर को मान के चल रहे हैं, कि ये कूलर की मोटर की वायर है, जो नॉर्मली आपने देखा होगा जो होती है। जैसे कि ये आ गई हमारी कॉमन ऑरेंज वाली वायर को हम कॉमन मान के चल रहे हैं, ठीक है, और व्हाइट वाली हो गई आपकी मीडियम स्पीड की, ठीक है, और दोस्तों रेड वाली हो गई आपकी लो स्पीड की, और ये ब्लैक वाली हम मान के चल रहे हैं हाई स्पीड की। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, ये दोस्तों आप ये देख रहे हो, आप ये मल्टी फंक्शन स्विच है, ठीक है, और ये है हमारा थ्री स्पीड स्विच। तो इसमें हमें करना क्या है, हमें ये पिन की मदद से ये दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो 1, 2, 3 और L, L का मतलब है दोस्तों लाइन। लाइन कैसे लगानी है वो हम आपको बाद में दिखाते हैं, पहले आपको हम इसमें थ्री स्पीड दिखाते हैं। हम लेते हैं ये पहला ब्लैक वाला, यानी कि हाई स्पीड। हाई स्पीड के लिए हमें इसको सबसे पहले पिन से इसको ऐसे थोड़ा प्रेस करके अंदर यहां पे, इधर ये दोस्तों आप ये देख रहे हो, इसके अंदर एक स्प्रिंग सा लगा होता है, उसको ऐसे प्रेस कर लेंगे ताकि वायर हमारी आसानी से घुस जाए अंदर। ये दोस्तों ये हमारा आ गया, ये दोस्तों हमारा आ चुका है। उसके बाद दोस्तों हमें ले लेना है ये हमारा, जैसा कि हमने बताया था व्हाइट वाले को हम मान के चल रहे हैं मीडियम स्पीड, जो ये फर्स्ट में हमारा लग गया है, ये आप देख सकते हैं फर्स्ट में हमारा जो लगा है ब्लैक वाला, यानी कि हाई स्पीड, ठीक है। सेकंड में हम लगाने जा रहे हैं जिसमें टू बना हुआ है, ये रहा, इसमें हम लगाएंगे दोस्तों ये व्हाइट वाला जो कि है मीडियम स्पीड। इसको भी दोस्तों हमें उसी जैसे हमने पहले लगाया था, ऐसी हमें ये भी यहां पे लगा लेना है। ये दोस्तों ये भी निकल गया है, दोबारा से लगाते हैं इसको। तो ये दोस्तों हमने ये दो लगाए हैं। अब जैसा कि हमने बताया था आपको, ये जो रेड वाला है ये हमारा लो स्पीड का, अब हमें ये लगाना है इसके थ्री नंबर पॉइंट में, ठीक है। उसके बाद आपको दोस्तों ये वाला थोड़ा हार्ड है, तो इसलिए हमें ये टेस्टर की मदद से लगाना पड़ेगा। ये आप देख सकते हो, ये हमारे तीन इसमें स्विचेस में लग चुका है ये, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें L जो बना हुआ था, ये पॉइंट L, L वाला ये जो आप देख रहे हो ये किस लिए है वो हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों जैसा कि हमारे पास पावर केबल है, दोस्तों ये L वाले के अंदर ये जो हमारा ये जो L वाला बना है, इसमें हमें ये पावर कॉर्ड का जो ये दो पॉइंट आप देख रहे हो, ये जो मेन वायर होती है उसका हमें एक पॉइंट यहां लगाना है, ये दोस्तों ये लग चुका है आप देख सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम इसकी मल्टी फंक्शन स्विच, इसमें क्या क्या लगता है। तो इसके लिए हम आपको दिखाते हैं, सबसे पहले जो इसमें हमारे पास है
दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसकी जो मल्टी फंक्शन स्विच है इसके बारे में। तो इसमें हमें क्या करना है, ये आप देख रहे हो ये हमारे पास एक स्विंग की मोटर है अवेलेबल है यहाँ पे। इस स्विंग की मोटर को, इसके अंदर दोस्तों दो वायर होते हैं, एक आपका कॉमन होता है और एक आपका फेस होता है। ये वाली दोस्तों जो वायर होती है ये कॉमन की होती है, ये वाली वायर आपकी कॉमन होती है और ये आपकी होती है जो इस वाले स्विच में जाएगी नंबर टू में। यहां से आप देख रहे हो ये नंबर टू में जाएगा, ये यहां से ये दोस्तों ये चला गया स्विंग का। अब दोस्तों एक पंप है हमारे पास, जिसकी भी पंप की वायर ही आपको सेम मिलेगी, एक ब्लू कलर की और एक ब्राउन कलर की। जो ब्राउन ब्लू वाली होगी ये आपकी कॉमन होगी और जो ये आपके पास ब्राउन होगी ये आपकी फेस होगी। तो ये वाली आपकी इसमें जाएगी नंबर वन में। तो ये दोस्तों ये गई नंबर वन में, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ले लेना है जो दोस्तों हमने जो पावर केबल लगाई थी, ये रही जो आप देख रहे हो। इसके अंदर हमने रेड वाली वायर तो यहां लगा चुके थे, जो ये वाली वायर है हमारे पास ये ब्लैक, इसकी जो ब्लैक है आप देख सकते हो ये पावर केबल है। पावर केबल की जो हमारे पास जो ये जो ब्लैक वायर है वो हमें लगानी है इसमें लाइन में एल वाले पॉइंट में। ये दोस्तों आप देख रहे हो ये एल का जो पॉइंट है यहां लगानी है, इसमें लगानी है। तो इसमें हमें ऐसे करके इसको भी टेस्टर की मदद से ये दोस्तों ये हमें यहां लगा लिया हमने। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी एक और जो वायर है उसके बारे में। तो जो एक और वायर है हमारे पास जो लाइन की हमें बनानी है, ये तो दोस्तों हमने दोनों में लगा लिया वायर। अब जैसा कि आपने देखा ये जो हमारे पास पावर केबल है ये कैसे दोनों में लगेगी एक बार हम आपको ये फिर से दिखाते हैं। ये हमने जो उसमें लगाई थी लाइन की वायर ये हमने निकाल दिया। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो आप वायर देख रहे हो एक ये वाली, ये दोस्तों ये जो स्पीडिंग स्विच है थ्री स्पीड स्विच, एक ये वायर इसमें जाएगा। ये दोस्तों एक वायर ये इसमें जाएगा ये दोस्तों कुछ इस प्रकार से। ये दोस्तों एक वायर ये इसमें जाएगा। अब दोस्तों इसके अंदर ये जो इसका एक और जो पॉइंट बचा है ये दोस्तों हमारा जाएगा इस लाइन के अंदर, ये वाले पॉइंट के अंदर। ये दोस्तों यहां आ गया, ये सॉरी लाइन वाले में लगाना है। तो ये दोस्तों यहां आ जाएगा। अब आप देख सकते हो ये जो दो आप ये जो देख रहे हो ये दोस्तों इसको पावर केबल को कनेक्ट करने के लिए, ये स्पीड के लिए और ये अदर फंक्शन जैसे वाटर पंप स्विंग स्विंग प्लस पंप, ये हम आपको बाद में दिखाएंगे। तो ये इसमें लगाने के बाद फिर ये जो पावर केबल है, पावर केबल की जो रेड वाली वायर है हमारी जिसे बोलते हैं हम ACL, ये हमारी जो हमने ये जो थ्री स्पीडिंग स्विच था इसमें जो हमने ली थी उसको इसके साथ कनेक्ट करना है इस वाले पॉइंट में। ये रेड वाली वायर है ये दो हो जाएंगी। ये दोस्तों ऐसे ये आप देख सकते हो।
ये दोस्तों ये दो आपको नजर आ गई होंगी, ये हमने यहां लगाई हुई है। आप दोस्तों ये जो ब्लैक वाली वायर है, इस वायर को जैसे कि हमें थोड़ा सा ऐसे छील लेना है। और दोस्तों ये आपको याद होगा ब्राउन वायर वाटर पंप की, इसको भी थोड़ा सा छील लेना है। और दोस्तों ये स्विंग की एक जो बची थी हमारे पास, ये रही, ये तीनों को। और दोस्तों ये जो हमने आपको जो पहले ही हमने आपको दिखाया था, ये ऑरेंज वायर हम मोटर की कॉमन मान के चल रहे हैं, एक इसको, तो ये चारों दोस्तों एक साथ ही कनेक्ट होंगी। ये दोस्तों इसे बोलते हैं हम कॉमन, ये हमारा कॉमन रेडी हो गया, ठीक है, यहां तक ये यहां हो गया, बाकी हमारे स्विचेस के अंदर आ गया है। अब हम आपको दिखाते हैं रोटरी स्विच पे कैसे काम करेगा। जैसा कि दोस्तों ये आप देख रहे हो, ये दो हमने बना लिए कैप, हम आपको एक दिखा रहे हैं कनेक्शन में, जैसे आप ये आपका हो जाएगा स्पीड के लिए। जैसे कि हम थोड़ा ये हटा भी देते हैं ताकि आपको वायर वायर ज्यादा लगे ना, इधर उधर ज्यादा फैली हुई, इसलिए हम बाकी के एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो भी है वो हटा देते हैं। तो ये दोस्तों जो आप देख रहे हो ये हो गया इसका पूरा डायग्राम, ये दोस्तों हमारा ये डायग्राम रेडी है। तो जैसा कि ये हो गया हमारा स्पीड वाला, तो यहां से दोस्तों ये हाई मीडियम लो, ये स्पीड के लिए है, ये लो पे है, मीडियम हाई, ये ऑफ। तो अब दूसरा दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है, ये आप देख सकते हो ये हमारा ऑफ है अभी फिलहाल, फिलहाल के लिए ऑफ है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं यहां पे फर्स्ट स्टेप जब आप इसको मूव करोगे तो ये आया दोस्तों हमारा कूलिंग के लिए, यानी कि पंप चल रहा है, पंप का होता है पहला। दूसरा होता है दोस्तों आपका स्विंग का, जो ये है हमारे पास। तीसरा जो ऑप्शन होता है ये होता है दोस्तों स्विंग प्लस पंप, इसमें आपका क्या होगा, पंप भी चलेगा और रोटेट भी होता रहेगा। तो ये दोस्तों सिंपल होता है, वैसे पीसीबी के कूलरों में ज्यादा खर्चा होता है, अगर रोटरी स्विच के कूलरों में इतना खर्चा नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली आपको मार्केट में 50-100 रुपए के आराम से मिल जाएंगे। बस दोस्तों ये इसमें इतना ही होता है, ज्यादा तो कुछ है नहीं। और दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और जिस किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।